जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो वी स्टार्ट क्लास फॉर्मली नाउ एंड वी डू नॉट वेट फॉर द अदर्स टू जॉइन द क्लास एंड आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस लेक्चर विद यू आल्सो। जी मुझे एक मिनट दें। तो आज हमारा फर्स्ट क्लास है इंग्लिश सेशन का। इंग्लिश सेशन में हमने इंग्लिश ऐसे एंड इंग्लिश प्रेजेंट कंपोजिशन को स्टडी करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो इंग्लिश ऐसे होता है या प्रेजेंट कंपोजिशन होता है, ये कंपलसरी दो सब्जेक्ट्स हैं और इनमें 40% पे पास होता है। और ये क्लस्टर फॉर्म में नहीं है, ये नहीं कि अगर दोनों सब्जेक्ट्स को मिला के 80 मार्क्स लेके आए और किसी में 10 हो दूसरे में 72 हो तो 82 बन जाएगी, तो ये कंडीशन इसमें नहीं है। एक में आपने 70 ली, दूसरे में अगर आपने 39 भी ली, यू विल बी कंसिडर्ड एज अ फेल्ड कैंडिडेट। तो हमने इस तरीके से इन सब्जेक्ट्स को लेके चलना होता है कि हम इन सब्जेक्ट्स को मिनिमम पास करें, ठीक है। उसके बाद जब हम वो फाउंडेशन बना लेते हैं तो उसके बाद ये बात आती है कि अब उन मार्क्स उन इन सब्जेक्ट्स में से हम ज्यादा मार्क्स लेने की कोशिश करें, ठीक है। अब जब सब्जेक्ट 70+ पे जा रहा है प्रेजेंट कंपोजिशन का किसी एक मखसूस ईयर में, तो अगर उस साल हमने 40 मार्क्स या 45 मार्क्स ली तो इट मीन्स कि हमने अंडर परफॉर्म किया है। अगर किसी ईयर में 30s में वो सब्जेक्ट गया है, अगर हमने उसमें 41 मार्क्स लेके आए तो इट मीन्स कि हमने सही तरीके से परफॉर्म किया है। तो हमने परसेंटाइल देखना होता है, नॉट परसेंटेज, कि बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले में हमने किस तरीके से परफॉर्म किया है। हम टॉप 5 में हैं, टॉप 10 में हैं, टॉप 30। आइला जब मुश्किल आता था 54 मार्क्स अगर किसी ने हासिल कर ली तो वो भी टॉप 5 में आई थी। बट अगर आइला फॉर एग्जांपल 80s में गए और आपने 60 भी लेके आए तो इट मींस यू हैव नॉट परफॉर्म्ड वेल। तो हमने इस तरीके से लेके चलना होता है। और सेशन का मैं आपको थोड़ा ये बताऊं, हम सेशन को इंग्लिश से पहले करते हैं उसके बाद प्रेजेंट कंपोजिशन। तो हम इंग्लिश ऐसे के बाद कुछ एस्पिरेंट्स को अलाउ करते हैं वो ज्वाइन करें प्रेजेंट कंपोजिशन से, फिर उनको आगे चल के इंग्लिश ऐसे ज्वाइन करते हैं। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है, हर जो है सेशन में हाफ सेशन में कैंडिडेट्स ज्वाइन करते आ रहे हैं। तो आज हम जो सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम प्रेजेंट कंपोजिशन से स्टार्ट करेंगे। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ 100% ना मैच करते हैं ना 100% डिफरेंट है। तो इनकी एक दूसरे के साथ मिक्सअप है। जो इनके मिक्सअप्स हैं तो हम उनको क्या करते हैं, दोनों सेशन में स्टडी करते हैं। जो एस्पायरेंट पहले एसे में होगा, उसने फॉर एग्जांपल इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग सीख ली होगी, तो उसको यहाँ पे रिवीजन का मौका मिलेगा। और ये नहीं कि उसको वही 100% वही मिलेगी, तो उससे एड ऑन इंफॉर्मेशन मिलेगी, बिकॉज टीचिंग इज अ डायनामिक प्रोसेस। आई ऑल्सो लर्न थिंग्स, तो मैं खुद भी उसमें नई नई चीजें लेके आता हूँ, स्लाइड्स में एड ऑन करते जा रहा हूँ। तो कभी कभार ही कोई आपको स्लाइड सिमिलर मिल जाए, बाकी अदरवाइज मेरी यही कोशिश होती है उसमें लेटेस्ट से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और इजी इंफॉर्मेशन हो ताकि आपको ज्यादा बेनिफिट हो। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। आज हम जाहिर सी बात है हमारा पहला क्लास है इंग्लिश प्रेजेंट कंपोजिशन का, तो हम ना प्रेसे से स्टार्ट करेंगे ना हम कॉम्प्रिहेंशन से या हम ना ही हम बाकी कंपोनेंट्स को स्टार्ट करेंगे। आज हम जो इसके बारे में जनरल परसेप्शन से सिर्फ प्रेजेंट कंपोजिशन के बारे में आज हम वो स्टडी करेंगे और हर एलिमेंट को हर एस्पेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम देते जाएंगे, ठीक है। डोंट वरी, दिस वीडियो इज रिकॉर्डेड, इट विल बी शेयर्ड विथ यू ऑन यूट्यूब एंड आई विल शेयर द लिंक ऑफ यूट्यूब इन डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वहां पे कमेंट करें ताकि उस पे में आपके, अभी मैं वीडियोस बनाने फिर जा रहा हूँ, अगेन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक हफ्ते का गैप आ गया था, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब ये जो है इंग्लिश ऐसे पे भी क्रैश कोर्स बनाऊँ और उसके अलावा करंट अफेयर्स पे बनाऊँ। आप सब टॉपिक सजेस्ट करें ताकि मुझे पता लगे कि ये टॉपिक एस्पायरेंट्स को तंग करते हैं, तो वीडियोस हम उन टॉपिक्स पे बनाएं जो ज्यादा बेनिफिशियल भी हों, मैं आपको टाइम भी दूँ, टाइम भी बनाने में लगाऊँ और आपके मयार के मुताबिक वो टॉपिक ना हो कि ये टॉपिक आपको लगे कि मुझे नहीं इसमें नीड थी तो ये टॉपिक बनना चाहिए था सर की तरफ से, क्योंकि यू आर इन अ डिसाइसिव पोजीशन, क्योंकि आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू आर इन अ गुड पोजीशन टू डिसाइड व्हिच टॉपिक इज मोर इम्पोर्टेंट।
ठीक है, तो आगे चलते हैं। आप मुझे ट्विटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे थ्रू, इंस्टाग्राम पे दूसरा भी मेरा हैंडल है वो है एकेडमी का, CSS विजन, विजन में एस एक आती है तो इसमें डबल एस है क्योंकि इंस्टाग्राम पे यूजर नेम वो अवेलेबल नहीं था। अब आप मुझे फेसबुक पे रमीश मेमन के नाम पे और ये मेरा यूजर नेम है वहाँ पे, आप मुझे इस ईमेल के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं, यूट्यूब पे अप्रोच कर सकते हैं, इस वेबसाइट के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं। जिन लोगों को मेरे नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, दीज आर अवेलेबल ऑन दी ऑन दिस वेबसाइट। अभी सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आज भी फ्री हैं, पहले भी बाद में भी फ्री होंगे, बट ये होगा कि फिर आपको नंबर अपना इनपुट करके उसमें सब्सक्राइब करके फिर आप एक्सेस कर पाएंगे। अभी अगर आप करना चाहें तो वो अभी कंडीशन नहीं है, क्योंकि आई एम गोइंग टू लॉन्च दिस वेबसाइट इन अ फुल फ्लेज्ड मैनर। आफ्टर दिस इंशाल्लाह वी विल लॉन्च एंड्रॉयड ऐप। तो अब मैं आपको बात बताऊं कि जो प्रेस एंड कंपोजिशन का पेपर है उसमें इंग्लिश ऐसे की तरह नहीं होता कि आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो 100 मार्क्स का हो। यहाँ पे आपको पहले एक पेपर वो देते हैं 20 मार्क्स का। अब आप एग्जामिनेशन के हाल में आपको एक आंसर कॉपी दी गई, आपने उस पर नेम वगैरह लिखे, क्योंकि अब हम एक सब्जेक्ट पे जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम क्या करेंगे, एक एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच लेके चलेंगे, ठीक है। और मैं इस बात का जामिन हूं कि आपको उस एग्जाम की प्रिपरेशन कराऊं, ठीक है। तो आपको क्या करेंगे, आंसर कॉपी मिलेगी, उसके बाद आपको एक पेपर देंगे, वो उसमें वोकेबुलरी होगी 20 मार्क्स की। अब वो आपने 20 मार्क्स की 20 MCQs होंगे वो आपको देगा, उसके लिए आपके पास 20 मिनट्स होंगे, आप 20 मिनट्स में वो करके सब वापस करनी, आप 5 मिनट में करते हैं वो वापस करें, आपको क्वेश्चन पेपर दूसरा मिल जाएगा। अगर कोई लेट भी लेट सबमिट कराना चाहता है तो उसके पास 10 और 10 टोटल 20 मिनट्स हैं, ठीक है। अब वोकेबलरी आपने कहाँ से प्रिपेयर करनी है, हमने डेमो सेशन में थोड़ा इसका डिस्कशन किया था, अभी हम इसका थोड़ा लेंदी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम आएंगे प्रेस से पे, वोकेबलरी का हम बाद में जिक्र करते हैं, अभी मैं थोड़ा आपको डायमेंशंस बता दूं कि आज हम कौन कौन से डायमेंशंस पे ज्यादा फोकस करने जा रहे हैं। तो उसके बाद आता है प्रेस से। प्रेस से सब्जेक्ट का अगर टॉप नाम देखें तो उसमें है प्रेस से एंड कंपोजिशन। अगर आप देखें तो क्वेश्चन 20 मार्क्स का प्रेस से और कंपोजिशन का बाकी पेपर 80 मार्क्स का है, तो इसने टाइटल में इन दोनों को इक्वल वेटेज दिए, तो इट मींस के प्रेस से इज वन ऑफ द डिसाइसिव फैक्टर्स इन इंग्लिश प्रेस से एंड कंपोजिशन पेपर। इट मींस यू कैन नॉट इग्नोर दिस क्वेश्चन। लोग कहते हैं ना कि इसकी ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है कि आप बाकी जितने भी सही कर लें अगर प्रेस से सही नहीं की, इट मींस एग्जामिनर वोंट कंसीडर यू एज अ पास कैंडिडेट, ठीक है। तो आप उसमें डिबेट में जाए ही नहीं, आप इस डिबेट में आए कि हम इसको अच्छे तरीके से किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट इज द पॉइंट ऑफ क्वेश्चन। ये क्यों करेंगे हम प्रेस को भी इग्नोर करें उसको भी इग्नोर करें, प्रेस इज वन ऑफ द डिसाइसिव फैक्टर्स लाइक कॉम्प्रिहेंशन एंड अदर फैक्टर्स एज वेल, तो यू हैव टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ प्रेस राइटिंग, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है कॉम्प्रिहेंशन का। कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक पैसेज मिला होता है, देर आर मल्टीपल क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज। पैसेज decides the horizon, decides the boundary or the scope of your answers, कि आपने किस तरीके से उन आंसर को कहां कहां तक एक्सपैंड करना है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज decides that issue। उसके बाद करेक्शन आती है, करेक्शन में इतना मसला नहीं होता, वो हम डिस्कशन करते हैं किस तरीके से करेक्शन करेंगे, और आगे चल के हम करेक्शन की टेस्ट भी लेंगे, हमारी तकरीबन डेली टेस्ट होंगी इंशाल्लाह, थोड़ा हम इसको आगे बढ़ाएं, एक दो लेक्चर्स। उसके बाद हम कोशिश करेंगे जो पहले लेक्चर्स में हमने बाकी टेस्ट ली थी बट कम ली थी, तो अब मैं इसको रेगुलराइज करने जा रहा हूँ, गेन टेस्ट को हम रेगुलर करें। पंक्चुएशन इंशाल्लाह आई गारंटी यू कि पंक्चुएशन में आपकी गलतियां नहीं होगी, 99% चांसेस होंगे कि आपकी पंक्चुएशन सही हो जाएगी, 1% एरर इज ड्यू टू द ह्यूमन एलिमेंट। अगर आप मेरे सजेशन के मुताबिक चलेंगे तो दैट गारंटी इज अप्लाइड, ठीक है। अगर आप अपने हिसाब से चलेंगे, मेरे सजेशन में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा पढ़ना होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको लगेगा यू आर वेस्टिंग योर टाइम, बट यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम,
तो अगर आप पूरी सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मेरे ऊपर रखेंगे तो ये मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा कि ये सब्जेक्ट आपको पास कराऊं। अगर ये जिम्मेदारी आप खुद उठाएंगे तो ये अब जिम्मेदारी आपकी, अगर ये जिम्मेदारी आप खुद उठाएंगे कि ये मुझे अपने हिसाब से प्रिपेयर करना है, तो ये जिम्मेदारी भी आप खुद ही उठाएंगे कि इसको किस तरीके से पास करना है। तो ये मैंने अपनी जिम्मेदारी खुद ली थी, आप भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। बट ये है कि कुछ लोग कहते हैं नहीं सर, हमें आपके एक्सपीरियंस से, आपकी मेंटोरशिप पे यकीन है, तो फिर आप हमें बताएं कि किस तरीके से लेके चलें, तो आप भी कर सकते हैं। बट आप में से कोई सीनियर एस्पायरेंट है जो एक अटेम्प्ट दे चुका है, तो ही इज एन एक्सपीरियंस, ही वो ही कैन गो अलोन, ठीक है, क्योंकि उसने गलती की हुई है, उसको सही रास्ते का पता है, गलत रास्ते का पता है, ठीक है। जरूरी भी नहीं जो अटेम्प्ट दे के आया तो उसको गलत रास्ते का ना पता हो, या गलत रास्ते सही रास्ते का पता हो, तो ये होता रहता है, ठीक है। उसके बाद पंक्चुएशन, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन पे इतना कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये पास्ट में जो भी प्रेपोजिशंस आ चुकी हैं उनमें से आता है, इतना मुश्किल काम नहीं है। पैरा वर्ड्स, पैरा वर्ड्स में आप देखें कि दो वर्ड्स हैं, उनकी आपने मीनिंग एंड सेंटेंस में यूज करना है। पैरा वर्ड्स आपको तब भी आएंगे जब आपके पास इनफ वोकेबलरी की बैंक होगी। आपके पास बैंक बैलेंस होगा तो आप कोई चीज परचेस कर पाएंगे, आपके पास वोकेबलरी की बैंक होगी तो आप उसको रेस्पॉन्ड कर पाएंगे ना, ठीक है। तो आपकी जैसे परचेसिंग पावर प्योरिटी इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे आपकी वोकेबलरी सॉल्विंग प्योरिटी इंक्रीज होगी ना, अदरवाइज तो नहीं होगी। तो उसके बाद आती है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन अब दैट इज आल्सो अ क्वेश्चन ऑफ डिबेट कि हमने ट्रांसलेशन वर्ड बाय वर्ड करनी है, कॉन्टेक्स्ट करनी है, या मिक्सअप करनी है, कौन सा मेथड लेके चलना है। वो ट्रांसलेशन भी तभी करेंगे व्हेन यू हैव इनफ वोकेबलरी, इनफ नॉलेज, ठीक है, डाइवर्स आपको लैंग्वेज पे कमांड हो। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑल्सो वेरी इजी टू प्रिपेयर। तो नरेशन बनाना कोई इतना मुश्किल ओखा काम नहीं है, 1-1.5-2 दिन का काम है आपकी लेवल पे, ठीक है। इवन यू आर अ बेसिक लर्नर, ठीक है, कोई इशू नहीं, हम बेसिक से ही ऊपर उठते हैं, ठीक है, हम ऊपर से छलांग नीचे नहीं लगाते, हम नीचे से आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी चढ़ते ऊपर जाएंगे। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू ब्रिंग यू एट दी स्टैंडर्ड लेवल। उसके बाद इडियम्स, इडियम्स पे एक अलग डिबेट है, तो वो हम उस वक्त भी डिस्कशन करेंगे। बट टू सेव योर टाइम आई वांट टू डिस्कस दिस क्वेश्चन नाउ कि यू डोंट हैव एनी नीड टू प्रिपेयर इडियम्स। अगर आप फॉर एग्जांपल एक इडियम्स बनाने शुरू करते हैं, तो एक इडियम मुश्किल होता है, उसको बनाने में आपको 10 मिनट्स एट लीस्ट लगेंगे। अगर आप 1,000 इडियम्स बनाते हैं तो इट मीन्स यू रिक्वायर 10,000 मिनट्स। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 2,000 आइटम्स आपको बनाने हैं तो आपके पास 20,000 मिनट्स। अगर 5,000 आइटम्स की आप ख्वाब देख, 2,000 तक, ठीक है, 5,000 के लोग ख्वाब देखते हैं वैसे, आप 2,000 तक भी करते हैं तो आपके पास 20,000 मिनट्स का आपके पास होना चाहिए टाइम। तो अगर आप 1 घंटे में 60 मिनट्स हैं, तो इट मीन्स यू नीड 333.33, इट मींस 334 आवर्स आपको रुका रहे, ठीक है। तो अगर आप ये भी करें तो आप पूरे 6 महीने चलें और डेली 12 घंटे दें, तो तभी आप 2,000 आइटम्स प्रिपेयर कर पाएंगे। आफ्टर दिस कोई गारंटी नहीं है कि आपके 5 के 5 आइटम्स लगेंगे, तो उसके बाद भी यही है कि आपके 2 या 3 लगेंगे। इससे अच्छा है कि अगर आप कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे, उसको समझ लेंगे कि किस तरीके से ये इसको समझा जाए, किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाए, तो फिर ये है कि चांस है कि आपके फिर भी 2-3 ही लग जाएंगे। तो आपने अपने टाइम को सेव करना है, वो आपने 6 महीने प्रेसे पे, कॉम्प्रिहेंशन पे, ट्रांसलेशन पे, वोकेबलरी पे, और पंक्चुएशन पे, नरेशन पे, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, इन चीजों पे लगाएंगे, तो फिर भी आपका 4-6 महीने नहीं लगेगा, 2 या 3 महीने लगेंगे मैक्सिमम। ये मैंने मतलब इन्फ्लेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अगर आप उस पर बिल्कुल ये मतलब इन्फ्लेट करने की, इसलिए कि आप डेली 4-5 घंटे देते हैं, ज्यादा नहीं देते। अगर आप 12 घंटे देते हैं तो फिर तो 20 दिन की बात है, या ज्यादा से ज्यादा 25 दिन। उसके बाद एनालॉजी, एनालॉजी में भी हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। एनालॉजी में पहले मीनिंग आनी चाहिए, एंड मीनिंग तभी आएगी जब आपके पास वोकेबलरी की बैंक होगी। तो वोकेबलरी जो लोग कहते हैं कि प्रिपेयर ना करें, मैंने नहीं की थी, मैंने पास किया, तो यू हैव, मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि यू हैव टू प्लान योर स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी, अकॉर्डिंग टू योर बैकग्राउंड। ये नहीं किया आप, उसने ये किया नहीं किया, तो आप हो सकता है उसका बैकग्राउंड अच्छा हो, उसके बाद उसकी रीडिंग अच्छी हो, उसको रीडिंग हैबिट्स हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कहे कि आप मॉक एग्जाम्स ना दे, मैंने नहीं दिए थे, मैंने पास किए थे, ठीक है, उसने पास किए होंगे, क्यों नहीं किए होंगे, हो सकता है उसकी आंसर राइटिंग स्किल्स वैसे ही अच्छी हो, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो, हर बंदे की अपनी स्ट्रेंथ है, आपकी ये हो सकता है वीकनेस हो,
तो आपने अपनी वीकनेसेस को दूर करना है, स्ट्रेंथ्स को और मजीद बढ़ाना है। तो आपने अपनी स्ट्रेटजीज फाइंड आउट करें कि आपकी कौन सी, हर सब्जेक्ट में कौन सी वीकनेस है, कौन सी स्ट्रेंथ है। स्वॉट एंड स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स बनाएं कि आपको इस सब्जेक्ट के थ्रेट कौन से हैं, कि हो सकता है आपके पास थ्रेट ये हो कि आप ये सब्जेक्ट खुद अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक। अपॉर्चुनिटी ये हो कि आप अभी रमजान है फॉर एग्जाम्पल, आपके मेरे पास टाइम ही टाइम है, घर में सैरी बनाने के लिए भी घर वाले हैं, घर में बैठा हूं, तो ये अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। तो अब बात आती है कि हमने आंसर शीट का लेआउट, ये अक्सर एस्पायरेंट्स के बड़े क्वेश्चंस होते हैं जो अभी पेपर में जाते हैं, उनके भी बड़े क्वेश्चंस होते हैं और उनको सही आंसर करने वाले कम ही मेंटोर्स होते हैं, क्योंकि मेंटोर्स को लगता है कि ये मेंटोर को भी इस तरफ नजर ही नहीं जाती उनकी, क्योंकि उनको भी लगता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, वो क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है इस पे। बट एस्पायरेंट्स ये क्वेश्चन ढूंढते ढूंढते वही सीरियस एस्पायरेंट्स तक पहुंचते हैं जिनको अंदर फीलिंग होती है कि हम इसको किस तरीके से करने की कोशिश करें, ठीक है। अब आपको जो भी क्वेश्चन हो आप चैट बॉक्स में लिखते जाएं, आखिर में मैं आपको माइक पे खोलने की इजाजत दे दूंगा। जो अभी जिनको लगता है कि हम आखिर में आंसर क्वेश्चन पूछना भूल जाएंगे या क्वेश्चन हमारे माइंड से चला जाएगा, वो चैट बॉक्स में लिखते जाएं, ठीक है। तो अभी आंसर शीट की बात करते हैं। तो जी फॉर पास पेपर्स हम पैरा वर्ड्स की हम बात करते हैं, बट आपका क्वेश्चन है मैं इसको टैकल भी कर दूं कि पास पेपर सही करने हैं। तो आंसर शीट, अब हमने आंसर शीट किस तरीके से लेके चलनी है। लोग कहते हैं कि सर फॉर एग्जांपल अगर हमने वोकेबलरी की तो उसके बाद में जो है आप कहते हैं प्रेस आखिर में करनी है, क्या वो आंसर शीट में आखिर में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, या पहले आनी चाहिए? पहले आनी चाहिए तो वो किस तरीके से आनी चाहिए, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? द इम्पैक्ट इज ओनली साइकोलॉजिकल, दैट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट लाइज इन योर माइंड, नॉट द एग्जामिनर्स माइंड, ठीक है। तो आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने वोकेबलरी की तो पेपर का लेआउट आप इस तरीके से रख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से उसके बाद आपने प्रेस ही लिख लिया, वोकेबलरी आपने उस पर भी कर दी और आपने आंसर शीट पे भी लिख दी कि क्वेश्चन नंबर वन वोकेबलरी का नंबर वन दिया, उसका आंसर सी दिया, बी टू, बी थ्री, ए फोर, सी, इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल आपने दिए। उसके बाद एक पेज पे वो हो गया, दूसरे पे आपने प्रेस ही कर दी, ठीक है। उसके रफ ड्राफ्ट वगैरह जो भी करें वो पीछे करें, अगर कोई कहता है कि आप उस पे ही करें यहाँ पे, तो वो करने की क्या जरूरत है? वो कहते हैं एग्जामिनर को पता लगे आपने रफ ड्राफ्ट बनाया था, एग्जामिनर को अगर फेयर ड्राफ्ट पसंद आ जाएगा तो उसको रफ ड्राफ्ट पढ़ने की क्या जरूरत होगी? आपको क्या जरूरत होगी किसी के कटी हुई राइटिंग जबरदस्ती रीड करने का? एग्जामिनर को आप इम्प्रेस करने की कोशिश करें कि मैंने बड़ी मेहनत की है, अगर मेरी गलती भी है तो खुदारा मेरी माफी, ठीक है, मुझे जाने दें, ये तो नहीं होगा ना, वो फेयर ड्राफ्ट देखेगा। उसके बाद कंपोजिशन, कंपोजिशन में सॉरी कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन पूरा तो नीचे पूरा कंपोजिशन का पेपर है। तो कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन में आपने ये करना है कि हर 5 क्वेश्चन हैं तो आपने हर पेज पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं, एक क्वेश्चन लिखा 3-4 लाइन का, फिर गैप देके आधे पेज से थोड़ा गैप खुला करके लिखे, 5 क्वेश्चन हैं तो 3 पेजेस पे लिखे। उसके बाद पंक्चुएशन, इडियम्स, ट्रांसलेशंस वगैरह करनी। तो अब आपने, मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि पहले आप वोकेबलरी करें 15 मिनट्स में, उसके बाद आपके पास एक 45 मिनट का पीरियड है, करेक्शन, पंक्चुएशंस, इडियम्स आप कर लें, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, ये पूरा 1 घंटा हो गया, उसके बाद एक प्रेस घंटा प्रेस के ला प्रेस के लिए, वो भी आपकी मैक्सिमम मैक्सिमम 50 मिनट्स में हो जाएगी, ठीक है। 2 घंटे पूरे हो गए, 1 घंटा 50 मिनट। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन 44 40 मिनट्स, 45 मिनट्स में ये भी हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास 2 घंटे तकरीबन 2.5 घंटे हो गए, ठीक। उसके बाद आपके 10 इसमें लगेंगे, ठीक है, ट्रांसलेशन में, बाकी आपके पास और 20 मिनट्स, उसके बाद आप रिविजन करें, ठीक है। इसमें इतना टाइम नहीं लगता अगर आपकी पंक्चुएशन एंड कंपोजिशन अपने टाइम पीरियड में हो जाती है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो फिर ये तरीका किस तरीके से मेंटेन करें? आपने वोकेबलरी लिख ली, उसके बाद प्रेस के लिए 1 पेज छोड़ दें, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन के लिए 3 पेजेस छोड़ दें, कितने छोड़ दिए? 4 पेजेस, ठीक है। तो अब आपने वोकेबलरी लिखा, उसके बाद 4 पेजेस छोड़ दिए, 2 लीव्स, मतलब एक पेज एक साइड, दूसरा पेज दूसरी साइड, तीसरा, मतलब टोटल 2 लीव्स, और उसके बाद मतलब ये 4 पेजेस। उसके बाद आप करेक्शन पंक्चुएशन वगैरह करते जाएं, ठीक है।
आगे करके आपने अब वापस प्रेस से रफ करें, रफ करके आपने सेकंड पेज पे प्रेस से करें, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन तीसरे चौथे पांचवे पेजेस पे आके वापस फिर ड्राफ्ट बना के करें, उसके बाद ट्रांसलेशन फिर आप आखिर में करें, तो आपका ये लेआउट मेंटेन हो जाएगा। और मैं अपने पेपर्स में यही लेआउट मेंटेन करते रहा। दूसरा लेआउट ये है कि आप वोकैबुलरी करिए, जिस तरीके से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाने वो लिखते जाएं, करेक्शन, पंक्चुएशन, प्रेपोजिशन, इडियम, ट्रांसलेशन, उसके बाद आप कॉम्प्रिहेंशन करते हैं तो वो लिखें, प्रेस से करते हैं तो वो लिखें, तो जो नेचुरल आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उसी तरीके से आप करें, तो ये भी तरीका सही है, कोई गलत नहीं है, दोनों की हैसियत सेम है। बट ये कि जेन में फुतूर है कि मैं अगर वो मेंटेन नहीं करूंगा एग्जामिनर क्या सोचेगा। ठीक है, तो आयशा वो उसकी बात करते हैं ट्रांसलेशन की, वैसे तो थोड़ी बहुत आज भी करेंगे क्योंकि ये पूरा इस पे क्लास चलेगा, इस पे प्रैक्टिस होती है, यू नो वे। तो जी, तो अब ये है कि हम अगेन वापस आते हैं वोकेबलरी पे। ठीक है, हम वोकेबलरी पे देखते हैं कि वोकेबलरी हमने किस तरीके से प्रिपेयर करनी है। तो मैं आपको एक ये बुक आप इस तरीके से समझे, अगर कोई मेरा भाई या मेरी बहन होती, सगे भाई, सगे भाई, और उनको मैं कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करवाता तो मैं उनको किस तरीके से करवाता, जो आज मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। आई एम योर मेंटर, आई एम योर बिग ब्रदर, जो मुझे आप समझे। ठीक है, आई एम गिविंग यू जेन्युइन सजेशंस, तो आपने ये फॉलो करनी है। आप एक 2 वीक्स फॉलो करें, आपको नहीं समझ में आए फिर आप छोड़ दें। हाँ, अगर आप ये कहेंगे 2 दिन मैंने फॉलो की सर मुझे नहीं समझ, फिर तो आप में इश्यू है, क्योंकि आप कोई भी स्ट्रेटेजी 1-2 दिन में समझ में नहीं आती, उसके फ्रूट्स 15 दिन में मिलना शुरू होते हैं, बल्कि पूरा महीना लग जाता है। बट ये है कि आप इस स्ट्रेटेजी को थोड़ा समझने में टाइम लग जाएगा, इतना जल्दी आपका नहीं आएगा। तो बट ये है कि इतनी दायमी होगी कि आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, तो वर्बल एडवांटेज बुक है, अगर किसी के पास नहीं है तो डोंट वरी। आप में से जो पहले सेशंस में मेरे ग्रुप्स में जिनके पास बुक है, तो आपके आप में से कोई एक जिम्मेदारी ले, ये भी खैरात फी सबीलल्लाह होती है, वो इन ग्रुप्स में शेयर कर ले। ठीक है, अगर कोई नहीं करेगा तो मैं इंशाल्लाह सुबह तक मैं भी कर दूंगा या लेट नाइट कर दूंगा। अब इसमें एक प्री टेस्ट होती है, आपने इंट्रोडक्शन बुक का थोड़ा देखा, प्री टेस्ट होती है, इसमें 100 MCQs हैं, आपने वो सॉल्व करने हैं विदाउट एनी थिंकिंग। आप वो आखिर में इसके रिजल्ट हैं वो चेक करें, जितने सही होते हैं तो उसके नीचे एक लाइन है कि फॉर एग्जांपल अगर 30 वर्ड से कम है तो ये कमेंट, 40 से कम है तो ये कमेंट, 50 से, वो देखें किस रैंक में आप आते हैं। उसके बाद आप शुरू करें लेवल 1 से, इसमें 500 वर्ड्स हैं, इसमें 50 वर्ड्स, तो 10 लेवल्स में 500 वर्ड्स, बट दैट बुक कवर्स ऑलमोस्ट 3500 GRE वोकेबलरी। आई डू नॉट क्लेम बट दिस बुक क्लेम्स। ठीक है, इसने अपने इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, मैंने GRE से भी याद किया हुआ, यहाँ से भी किया, GRE में मुश्किल है, वहां पे इतनी डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो यहाँ से ज्यादा फेवरेबल है। तो एक लेवल है उसमें 50 वर्ड्स हैं, तो हर 10 वर्ड्स के बाद एक छोटी सी टेस्ट है, तो आपने डेली 10 वर्ड्स करने हैं। और मैं आपको ये बात बताऊं, इन 10 वर्ड्स को सही तरीके से करने में, समझने में, अंडरस्टैंड करने में आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है 500 वर्ड्स, 3500 वर्ड्स को कवर करें तो 10 वर्ड्स, 70 to 80 वर्ड्स तो कवर करते होंगे ना। तो उसके बाद आप टेस्ट दें उसकी बात करते, छोटी सी, दूसरे दिन 11 से 20 वर्ड, तीसरे दिन 21 से 30 वर्ड, चौथे दिन 31 से 40 वर्ड, पांचवे दिन 41 से 50 वर्ड, छठे दिन आपने रिवीजन की और उसकी फुलफिलेज टेस्ट दी, सातवें दिन आपने रेस्ट किया, 1 वीक में 1 टेस्ट, 10 वीक्स में ये सारी 10 लेवल्स हो गई 2.5 मंथ्स में। फिर आपके पास ये 3500 में से कुल 1000 वर्ड, 1200 वर्ड सी सही तरीके से याद रहे होंगे, जिस तरीके से प्री पोस्टीरियस आपने पढ़ा हो, बट आपको मीनिंग नहीं आती, आपको ये पता है कि नेगेटिव टाइप की होगी, आउटरेजियस होगी, बट आपको नहीं यार, तो आप फिर इसको रीड करना इसी तरीके से करेंगे, तो आपकी ये आखिर तक एग्जाम तक चलती रहेगी। ठीक है, तो ये दूसरा आपने डैनियस पेपर पढ़ लिया, वहां से आपको वोकेबलरी बनेगी, आप वहां से वोकेबलरी निकाल के बुक पे ना लिखें। ठीक है, यहाँ से एक तरीके से आप बना रहे हैं तो बात खत्म है, तो वहां से आप जो आपको समझ में ना आए, आप ऑक्सफर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, ओनली ये ई डिक्शनरी फॉलो करनी है, क्योंकि इसमें ये बताता है कि ये
फिगुरेटिव वर्ड है, ये लिटररी वर्ड है, ये स्लेंग वर्ड है, ये डिसअप्रूविंग वर्ड है। डिसअप्रूविंग वर्ड वो जो आप किसी को कहें बट इतना बुरा हो कि वो एक्सपेक्ट करे यार दूसरी बार मुझे नहीं कहना, आपने पहली बार कहा कि मुझे तकलीफ दे दी, ठीक है। तो आप किसी को कहें कि यार ये जो है ना जाहिल है, तो जाहिल तो क्या लफ्ज़ है, फॉर एग्जाम्पल बहुत ही बुरा लफ्ज़ है ना, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे वो यार मुझे ये अल्फाज ना दो, ठीक है। तो इस तरीके से वो आपको बताएगा, ठीक है। अब किसी को आप कहें कि शातिर है, अब शातिर की नेगेटिव मीनिंग होती है। आप किसी को कहें जहीन है तो वो पॉजिटिव मीनिंग होती है। आप किसी जहीन को शातिर कहें वो कहेगा यार ये मुझे नहीं बैठ कर, मैं शातिर नहीं हूँ, मैं जहीन हूँ। तो वो वर्ड्स की नेचर बताता है कि किस तरीके से। एक मैं आपको बात बताऊं, फ्रेजल वर्ब्स होते हैं तो उसमें ए गान था, मतलब इनकरेज करना। कुछ वर्ड्स होते हैं न्यूट्रल, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, ठीक है। तो अगर विल, अगर बेट, ठीक है। तो अगर न्यूट्रल है तो इनकरेज पॉजिटिव है, इनसाइट नेगेटिव है। तो इसी तरीके से ए गान वर्ड था, टू इनकरेज समबडी टू डू समथिंग रॉन्ग। तो अब उसका अगर कोई थेसारस से देख के आता है, थेसारस कभी नहीं यूज करना, तो वो इनकरेज लिखता है। तो आप बताएं कि इसका सिनोनिम इनसाइट हो सकता है, इनकरेज कहाँ से होगा? तो बट उसने रिमोट सिनोनिम्स में इनकरेज भी डाल दिया। तो आपने ऑक्सफर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ऑनलाइन गूगल पे वहां से चेक करें, जिस वर्ड पे थोड़ा सा भी शक हो ऑक्सफर्ड पे चले जाए, ऐसे ना यूज करें। ऐसे में मैंने पैसेजेस चेक किए, उनकी तंबीह भी की, उनको समझाया भी कि अगर आपको वर्ड पे शक है तो आप उसकी स्पेलिंग भी चेक करें, उसका मीनिंग भी चेक करें, इस तरीके से आप यूज ना करें। खुद पे जुल्म कर रहे हैं, मुझ पे तो नहीं है ना, ठीक है जी। जिसने हैंड ऊपर किया मैं उसको, आप अभी चैट बॉक्स में लिख लें, आखिर में मैं आपको माइक खोने की इजाजत दूंगा। तो इस तरीके से होगा। तीसरा, आपने डेली रात को आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, मेरी तरफ से मैक्सिमम 1 घंटा बुक रीड करें। ट्रैक टू पाकिस्तान स्टार्टिंग में मैं कहता हूँ, फालन लीव से, अनपॉपुलर एसेस में स्टार्टिंग में नहीं कहता, बट इस सेशन में मैं एक अनपॉपुलर एसेस में से भी एक एसेस रिकमेंड करता हूँ और उसकी इंशाल्लाह टेस्ट भी लूंगा। पहले सेशन में मैंने कई भी, तो इस बार इंशाल्लाह उनकी टेस्ट भी होगी। तो अनपॉपुलर एसेस कोई भी बुक पढ़ेंगे तो वहां से भी वोकैबुलरी बनेगी, लेट के बैठ के बड़ा ही नेचुरल माहौल में बैठ के आप रीड करें, कोई भी वोकैबुलरी का वर्ड डिक्शनरी से देख के बस, और पेपर पे लिखने की जरूरत नहीं है, लाइट मोड। अब 3 डायमेंशनल जब आपकी वोकैबुलरी, सुबह आपने वोकैबुलरी याद की, वो आपकी दान में भी थोड़ी नजर आई कहीं, वो आपकी बुक में भी आई, जो बुक में देगी सुबह वर्बल एडवांटेज में नजर आई, दान में जो दान में देगी वर्बल एडवांटेज में आई बुक में, तो 3 डायमेंशनल जब वोकैबुलरी बनेगी तो इस तरीके से बिल्डअप होगी कि आपकी सोच है कि इतनी तेज होगी। जिस तरीके से ये वर्ड है कंजुगेट, अब इसकी साउंड आप देखते हैं ऑक्सफर्ड में कितना मुश्किल है फोनेटिक्स समझना, इसमें कितना हुआ है कंजीनर, कंजीनियर, ठीक है, कंजीनियर, सिंपथेटिक, एग्रीबल, कंपेटेबल, ठीक है, कैंड्रेट, हार्मोनियस, हैविंग द सेम टेस्ट। इंटोनिम बताए हुए कि उसके इंटोनिम्स कौन से हैं, एलियन, डिसिडेंट, उसकी प्रोनाउंसिएशन इनकॉन्ग्रुअस, ठीक है। तो आपने ये देखने, उसके बाद आते हैं हमने प्रेसेस को, प्रेस कल हम इन डिटेल ये सारी चीजें फिर करेंगे, बट इन डिटेल करेंगे क्योंकि हम प्रेस पे पूरे 3-4 दिन हमारे लगते हैं, पूरी इवेल्युएशन होती है। तो इसमें एक सिंपल पैसेजेस आते हैं, एक फिलोसॉफिकल पैसेजेस आते हैं, जिनको हम कॉम्प्लेक्स पैसेजेस कहते हैं। सिंपल पैसेजेस वो होते हैं जो सोशो पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक इशूज पे होते हैं, फिलोसॉफी जैसे 2021 में आया था। अब फिलोसॉफिकल पैसेजेस जिनको हम कॉम्प्लेक्स पैसेजेस पे कहते हैं वो ये होते हैं जो फिलोसॉफी से रिलेटेड होता है, अनपॉपुलर इससे पूरा फिलोसॉफी पे, किसी बर्टन रसेल, किसी बेकन के एसेस से, किसी और के एसेस से वो आ जाए तो ये बड़ा मुश्किल होता है। जैसे ये 2006 का पैसेज है तो कॉम्प्रिहेंशन भी इस तरीके से आ जाती है, जैसे 2010 की है एंड इट मूव्स, गैलीलियो का था। अब किसको क्या बताओ कि इट किसको रिप्रेजेंट करती है, तो ये अर्थ को रिप्रेजेंट कर रही थी जिनको गैलीलियो का पता था। तो आपको इसीलिए कहते हैं कि आप डायनामिक स्टडी करते रहे ताकि आपको इन इंट्रिकेसीज का, इन इश्यूज का, आपको रिडल्स का पता, ठीक है। अब
ये है कि फिलोसॉफिकल पैसे अब आपने 30 साल के करने होते हैं। क्यों करते हैं हम 2023 से 1990 से करेंगे तो 34, क्योंकि जितनी भी अप डाउन रोलर कोस्टर ड्राइव आ रही होगी, मैंने इस पे अपने 15 से 16 सिर्फ एक एक मिनट की रील्स बनाए हैं। अगर वो आप 15 मिनट बैठ के भी देखेंगे तो जितने भी बेसिक इश्यूज हैं आपके सीएसएस के, वल्ला वो खत्म हो जाएंगे। अगर और भी कोई लगता है कि सर ये मुझे इशू है, मैं उस पर आप इशू बताएं, मैं ना बनाऊं, मैं गुनाह का, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अब आज हम, मैंने कहा ऊपर ऊपर से देखेंगे, आज जितना भी हम पूरे सब्जेक्ट का डिस्कशन करने की कोशिश भी करेंगे 1 घंटे में, तो 5% भी हो जाए ये बड़ी बात है, क्योंकि एक एक कंपोनेंट को हमने 15 दिन में, 15 दिन कह रहा हूँ, 15 वर्किंग डेज, मतलब 3 वीक्स में करेंगे, एक एक कंपोनेंट कंपोनेंट को इन डिटेल करेंगे। तो बट ये कि मैंने आपको सोरा आज इस सब्जेक्ट की फाउंडेशन बता दूं एक तरीके से, नहीं कि मैं आपको आज ही प्रेस राइटिंग से बम्बार्डमेंट कर दूं, ये नहीं। मेन पैसेज हमने प्रेसेज पैसेज बनाना है। अब ये पैसे आप देखेंगे, प्रेसेज इसके अंदर ही आ जाती है, क्योंकि हमने मेन पैसेज के अलावा अपना ओपिनियन नहीं देना, ना ही उस पर क्रिटिसिज्म करना है, ना ही उस पर उसकी तारीफ करनी है। हमने इस बाउंड्री के अंदर रह के बात करनी है, हमने बाहर नहीं जाना, हमने इसी कोशिश में रहना है कि इस पैसेज की बाउंड्री, इस पैसेज का होराइजन, जो इसका स्कोप है, उसकी उसको टच अपॉन करते जाएं और इसके अंदर रह के बात करें, अपनी ओपिनियन, अपनी बात, अपना क्रिटिसिज्म, अपना तारीफ इस पे ना देना है, ठीक है। अब ये होता है कि इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि टू ब्रिंग आउट फेथफुली द मेन और सेलियंट आइडिया इन अ कंसाइज क्लियर एंड सिंपल। ये वही बात जो इसने 300 वर्ड्स में की हुई है, तो आपने वही एग्जैक्ट बात इन 100 वर्ड्स में करें विदाउट कंप्रोमाइजिंग द मेन आइडिया, तो आपने वो बात करनी होती है। अब इसमें कुछ हम इसेंशियल्स रखते हैं फ्रॉम द थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपने देखने होते हैं, बट जब आप प्रैक्टिस करते हैं दीज थ्योरिटिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है, इम्बाइब इन योर माइंड, इन योर अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है, दीज प्रिंसिपल्स बिकम योर मसल मेमोरी, कि आपको फिर इनको याद करने की जरूरत ही नहीं होती। कंप्लीटनेस, जाहिर सी बात है, इफ आइडिया इज इनकम्प्लीट इट वुड बी कंसिडर्ड प्रेसेस इनकम्प्लीट। You have to write compact language because you have to write the passage in one third passage. You have to secure each and every word. So you have to ensure proper diction, right word in the right place, and that is the brevity. Should not be attached at the cost of clarity. Right word at the right place. But ye nahi ke words ko kam karne ke chakkar mein we compromise the clarity. So we have to maintain the clarity relationship with brevity. तो हमने क्लेरिटी को भी मेंटेन करना है। कोहेरेंस, द आइडियाज मस्ट फ्लो टुगेदर, द आइडियाज शुड नॉट जंप फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, दिस इज अ डायग्रेशन, यू विल स्टडी दैट वर्ड इन वोकैबुलरी, वर्बल एडवांटेज। इसमें टाइटल, इफ क्वेश्चन डिमांड्स, इफ क्वेश्चन इधर डिमांड्स आर नॉट, यू हैव टू राइट द टाइटल, इट्स मस्ट। और ये बात होती है कि आप थोड़ा डिस्कशन कर ही लेते हैं कि आपने अगर फर्स्ट सेंटेंस को बार बार रीड करेंगे तो वहां पे आपको टाइटल मिल जाएगा, आपको लास्ट सेंटेंस रीड करेंगे तो आपको वहां पे टाइटल मिल जाएगा। जो लोग एसे के सेशन में थे उनको पता होगा कि हमने बॉडी के जितने भी पैराग्राफ्स किए थे उसमें एक टॉपिक सेंटेंस भी लिखा था, उसमें हमने एक टॉपिक प्लस कंट्रोलिंग आइडिया था, उसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस में हमने कहा था दैट इज द रीस्टेटमेंट और द रिफ्लेक्शन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस और द थीसिस स्टेटमेंट। तो लोग इसी वजह से कहते हैं कि टाइटल फर्स्ट सेंटेंस में होगा या लास्ट सेंटेंस में होगा, क्योंकि ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उस पैसेज का टॉपिक सेंटेंस होगा, उसका कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा, टॉपिक सेंटेंस होगा तो फर्स्ट सेंटेंस में कंट्रोलिंग आइडिया होगा, कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा तो लास्ट सेंटेंस में उसकी रीस्टेटमेंट होगी, इस वजह से टाइटल फर्स्ट सेंटेंस में होगा। ये तो कंडीशन आप पे है, मुझ पे है, वी आर अकेडमिक, वी आर राइटिंग फॉर अकेडमिक एग्जाम। क्या ये प्रिंसिपल बर्ट्रैंड रसेल पे, फिल ड्यूरन पे, बेकन पे, ठीक है, जॉन मिल्टन पे, किसी और पे हो सकता है? दीज आर दी अक्लेम्ड राइटर्स, वो जो राइटिंग करेंगे वो एक खुद जॉनर बन जाएगा, वो एक खुद स्टाइल बन जाएगा, ठीक है। तो अब वो कंट्रोलिंग आइडिया, मैंने आपको कहा था कि टॉपिक सेंटेंस कैन बी एट एनी प्लेस इन
पैराग्राफ बीच में हो सकता है। तो इसीलिए आपको ये इस मिथ से निकलना है कि ये फर्स्ट सेंटेंस या लास्ट सेंटेंस में, तो आपने ये हिट एंड ट्रायल वाली बात में नहीं रहना कि लक लग जाए। तो लक आप उसको थोड़ा साइड रखें, उसको पर्दा पहनाएं, अब वो अपना दिमाग चलाना शुरू करें। और टाइटल मैंने आपको जिस तरीके से आउटलाइन कहा था कि आपने बेहतर सेंटेंस में दें, बट यहाँ पे टाइटल मस्ट बी इन फ्रेज बिकॉज फ्रेज राइटिंग इज अट्रैक्टिव व्हेन इट कम्स टू द हेडिंग, सब हेडिंग और टाइटल्स। तो आपने टाइटल लाजिम देना है इफ प्रेस से ईदर डिमांड्स और नॉट। उसके बाद कंट्रोलिंग आइडिया, तो आप बार बार पैसेज मेन पैसेज को रीड करेंगे, अपने प्रेस को रीड करेंगे, तो आपको कंट्रोलिंग आइडिया मिल जाएगा। तो आपने आपने थोड़ा थर्ड पर्सन में अपनी प्रेस करनी है, फर्स्ट पर्सन में भले मेन पैसेज हो जिस तरीके से यहाँ पे निजार हुसैन वाला हो या कहीं पे भी हो, फर्स्ट सेंटेंस जिस तरीके से माय ग्रैंडफादर फर्स्ट पर्सन में, तो आपने फर्स्ट पर्सन को अवॉइड करके आपने थर्ड पर्सन में फ्रेज को लिखना होता है, ठीक है। और हम इसी तरीके से जो इससे लिखते हैं, जो भी एकेडमिक राइटिंग करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि थर्ड पर्सन में लिखें। नरेशन में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन में होती है, बट जब हम इससे राइटिंग करेंगे एकेडमिक्स के लिए, तो हम थर्ड पर्सन में लिखेंगे। फर्स्ट पर्सन में नरेशन बहुत आसान थी, पर थर्ड पर्सन में हमने लिखनी है। तो हमने एकेडमिक राइटिंग आप सेन में डाल दें, फर्स्ट पर्सन में करनी है, ठीक है। दूसरी बात, हमने जो प्रेस से लिखनी है वो पास्ट सेंटेंस में, ठीक है, अनलेस सेंटेंसेस आर ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये पास्ट में बात करूंगा तो आइडिया बनेगा ही नहीं। तो आपने उन सेंटेंसेस को फिर पॉजिटिव रखना है जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो और जो हम जिनको मजबूर हों लिखने में। और सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने कॉम्प्लेक्स करना है, एक तो ये कि आपके वर्ड्स कम होंगे। अगर आप दो कंपाउंड सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस लें, अगर उनको मिला के एक कंपाउंड सेंटेंस लिखेंगे तो बीच में कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन देंगे, एक वर्ड और बढ़ जाएगा। तो इन दोनों की सिचुएशन से अगर दूरी हटना है तो फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसमें एक सबऑर्डिनेट क्लास है, एक इंडिपेंडेंट क्लास एटलीस्ट होंगे, तो दूसरा ही कि आपकी कोहेरेंस का इशू खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप जितने वर्ड्स कम करेंगे कोहेरेंस का इशू उतना बढ़ता जाएगा, और कोहेरेंस की वजह से आपके वर्ड्स कम की वजह से क्लैरिटी का भी इशू आ जाएगा, ब्रेविटी के चक्कर में आपके मसले मसाइल और बढ़ जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको ये अपर हैंड देता है, बट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कमांड करना ये इतना आसान काम भी नहीं है, इतना मुश्किल काम भी नहीं है, जो डेडिकेटेड एस्पायरेंट्स हैं वो कर लेंगे, ठीक है। तो रेनन मार्टिन में है, किसी और बुक से भी कर लें, आई डू नॉट रियली सजेस्ट रेनन मार्टिन फॉर ग्रामर लर्निंग, तो इंग्लिश ग्रामर इन यूज है वो आखिर में देखते हैं। तो अपने सिंपल सेंटेंसेस पे, कंपाउंड पे, कम्प्लेक्स पे, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पे, इनको कन्वर्जन पे एक्सरसाइजेस अपनी करें। आपको नहीं मिलता, आप में से कोई बाकियों के साथ शेयर कर ले किस बुक से हैं, अगर नहीं मिलते हैं तो मुझे बताएं, मैं आपको शेयर कर दूंगा। जिस तरीके से ब्लू बुक ऑफ ग्रामर एंड पंक्चुएशन शेयर किया, बाकी बुक्स शेयर किए हुए हैं, आपको गाइड कर रहा हूँ, तो ये भी कर लूंगा। अच्छा बुक कोई भी मैंने इस पे रिसर्च करके लेके आऊंगा, वो भी वर्ल्ड रेनाउंड बुक अगर, डोंट वरी। और 20 सेंचुरी वाली रेनन मार्टिन की ग्रामर से हम आसान लैंग्वेज में आ गई है। इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखनी होती है, हमने कोशिश करें, और डायरेक्ट स्पीच में तभी लिखेंगे इफ देयर इज एन एक्सेप्शनल इशू, ठीक है। तो आपकी प्रेस की लेंथ यहाँ पे देखें, 1/3, 1-2-3, 1/3 आपने मेंटेन करनी है, आपने इसको हाफ पे नहीं रखना, 1/4 पे नहीं रखना, बट यू हैव टू राइट 1, ठीक है, 1/3 आपने पैसेज को मेंटेन करना है। 5 वर्ड्स ज्यादा हो कम हो ये मार्जिन चल जाएगा, ठीक है। अगर ज्यादा पैसेजेस हो, फॉर एग्जांपल पैसे में एक पैसेज हो गया, ये मल्टीपल पैराग्राफ्स हो, एक पैराग्राफ हो गया, दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, पांच हो गए, एक लाइन का भी एक पैराग्राफ अलग है, दो हो जाएगा, ठीक है, तो ये 6 हो गए। तो बट आपने इसकी जब प्रेस बनानी है तो आपने वो करना है कि एक ही पैराग्राफ में लिखनी है, 12 वर्ड्स नहीं करना, 12 वर्ड्स मतलब कर्स लिए हुए वर्ड्स, तो कर्स तो हमें हमेशा उतारना होता है। अगर आप प्रेस राइटिंग में, कॉम्प्रिहेंशन में कहीं पे 12 वर्ड्स यूज करेंगे तो आपको मार्क्स की सूरत में उसकी करंसी देके पढ़नी पड़ेगी, मकसद ये है कि आपको कम मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप 12 वर्ड्स लेंगे तो आपको करंसी वापस करने की होगी, जिस तरीके से हम कर्जा लेते हैं तो डॉलर देते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे मार्क्स एग्जामिनर को देंगे कि भाई हमें मार्क्स काट लो,
हमने बार वर्ड्स लिए, तो वो बहुत बुरा होता है, क्योंकि इसमें आपकी क्रिएटिव नहीं होती, वो तो एग्जामिनर की क्रिएटिविटी है जो लेके आए वर्ड्स। तो आपने बारो वर्ड्स को बिल्कुल स्ट्रेट अवे अवॉइड कर लेना है। वर्ड्स को काउंट करेंगे कल हम इन डिटेल पूरा करेंगे, पूरा इस पे लेक्चर है हमारा, उसके बाद इवेल्युएशन है, 3-4 दिन तो इस पे लगेंगे। ये भी पैसेज को स्किम करना है, स्किम मतलब ऊपर ऊपर से थोड़ा उसको देखना है, उसके बाद पैसेज को एक बार दो बार तीन बार रीड करें, केयरफुली अंडरलाइन करें की आइडियाज को, उनको सेपरेट करें, शिफ्ट करें, ठीक है। तो इसी तरीके से वर्ड काउंट करें, जिस तरीके से यहाँ तक मैंने टेक्स दिया, हो सकता है भूल जाऊं यहाँ पे, तो फिर मैं यहाँ से करने लगूंगा ना काउंट करने, स्टार्टिंग में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपके पास प्रेशर होता है तो आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं, इधर उधर शोर भी होता है, ठीक है। तो आपने रफ ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट, उसके बाद टाइटल फ्रेज, ये चीजें लिखनी है। देखें पूरा मैंने लिखा, उसके बाद टोटल वर्ड्स एंड प्रेस कितने हैं, जो मेन पैसेज, टारगेट ऑफ प्रेस से कितना था, डिमांड मैंने अटेम्प्टेड 114, तो इनको मैं 119 एंड 109 एंड 119 के बीच में फ्लक्चुएट करा सकता हूँ। आप देखें ये टाइटल, ये सेंटेंस ओ फ्रेज में। तो आपने इसी तरीके से एग्जांपल्स नहीं देने होते, यहाँ से वर्ड्स बचाने होते हैं, अपने आइडियाज नहीं देने होते, रिपीटेशन वर्ड्स की भी नहीं करनी होती, आइडियाज की भी नहीं करनी होती, सेंटेंस को तो बारो करने की दूर की बात है, वर्ड्स को भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से आप देखें तो ये हो गया कॉम्प्रिहेंशन, ये गलत है बट कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन के भी हम देखेंगे किस तरीके से, इस पर भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसमें आप फर्स्ट पास्ट टेंस से अलग भी चल सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन का टेंस डिमांड होगा हम वही करेंगे। इसमें हम पैसेज के स्कोप के बयान जा सकते हैं, अगर हमसे एक क्वेश्चन डिमांड करता है कि हम अपनी सजेशन दें, अपना प्रोसेस बताएं, ठीक है। तो आपने प्रेसे के फर्स्ट सेंटेंस पे बड़ा फोकस करना होता है, वो हमेशा डिसाइसिव होता है, ग्रामर ठीक है, उसमें एरर फ्री हो, क्योंकि एक पैसेज लिखते हैं, अगर उसमें भी आपकी ग्रामर की गलती होगी तो आपको वो छोड़ेगा नहीं, आपको ऊपर ऐसी डंडी फेरेगा कि आपके मार्क्स कम आएंगे, ठीक है। और टाइटल ऊपर दें नीचे दें, यहाँ पे टाइटल दे दें नीचे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट टाइटल एक देना है, दो नहीं देना। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जब मुझे पैसेज चेक करता है, स्लैश देके वर्ब का दूसरा या नाउन का दूसरा वर्ड, तो आप डिसाइसिव रहे, मुझे एक ही वर्ड भेजें, सही हो गलत हो, ठीक है। इसी तरीके से एक ही टाइटल देखें। तो आपने ये एग्जांपल्स, आइडियाज, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स वगैरह नहीं करनी। अब ग्रामर के लिए मैंने आपको कल भी ये बुक सजेस्ट की थी, 4th edition से स्टार्ट करें, 5 lesson से, कोई ये अगेन जिम्मेदारी, अदरवाइज मैं सुबह तक या लेट नाइट शेयर कर दूंगा। 15 दिन 45 lessons है, डेली 3 वीक करेंगे तो 15 दिन में हो जाएगा। उसके बाद 145 ये इंग्लिश ग्रामर रिव्यूज 5th edition है रेमन मर्फी की, अगर कोई लेटेस्ट बेसिक्स 7 तो वो भी काइंडली शेयर कर दें ग्रुप में जिनके पास हों। तो 145 lessons ये हैं, तो आप 29 days में ये कर लेंगे, 15 days में वो कर लेंगे, 44 days में आप 1.5 month में आपकी ग्रामर इतनी तगड़ी हो जाएगी, किसी आपके टीचर के पास जाना नहीं होगा, ठीक है। पंक्चुएशन के लिए मैंने बुक बताया था कि जैसे इंग्लिश द ब्लू बुक ऑफ ग्रामर एंड पंक्चुएशन, या जो इंग्लिश एस राइटिंग का बुक मैंने दिखाया था, वहां से पंक्चुएशन करें, किसी लोकल बुक पे ना आ जाएं जहाँ पे 33 रूट्स ऑफ कॉमा लर्निंग हो, तो वो तो गलत है, कभी आप पंक्चुएशन जिंदगी में नहीं सीख पाएंगे, अभी भी आपको बड़ी दिक्कत होती हुई, वहां से रूल्स पढ़ लें। उसके बाद इसमें ये 4 lessons फर्स्ट पढ़ लें, बटन बटन उसका पहला लेसन है, आप देखें कितनी पंक्चुएशन है, आई एम मिस्टर स्टीवर्ड, मिस्टर के बाद फुल स्टॉप दिया है, डॉट स्टीवर्ड फुल स्टॉप, उसके बाद ये एपोस्ट्रॉफी दी है, तो आपको पता होगा कि ये पूरा सेंटेंस ऐसे एपोस्ट्रॉफी के अंदर, कहाँ पे एपोस्ट्रॉफी बाहर आएगी, कहाँ पे अंदर आएगी, यहाँ पे कॉमा इसके अंदर आती है, कहाँ पे बाहर आएगी, ये पूरा आपने देखना होता है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल इस तरीके से हो कि नॉर्मा कॉल्ड फ्रॉम द किचन कामा, उसके बाद एपोस्ट्रॉफी, ठीक है, आई विल गेट इट फुल स्टॉप, उसके बाद ही अब फुल स्टॉप आएगा, इधर आएगा या बाहर आएगा, वो आपने फिर यहां से सीखना है, ठीक है। तो वो बाहर आएगा, पास्ट पेपर से हम इंशाल्लाह करेंगे करेक्शन, करेक्शन में भी इंशाल्लाह आपकी कोई गलती नहीं रहेगी, रेनन मार्टिन में भी करेक्शन है, ब्रश अप योर इंग्लिश ग्रामर के लेसन 13-14,
तो ये हम इस पे वैसे ही पूरे पूरे क्लासेस लेंगे, तो डोंट वरी। तो आप आज आपको सिर्फ ये फाउंडेशन दिखानी कि आपको कौन कौन सी एरियाज पे मैं फोकस करवा के चलूंगा, ठीक है। तो इनमें फोकस एरिया हमारी प्रेपोजिशन होती है, उसकी गलती होती है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अवेल यूएसएल, अवेल हिमसेल्फ, ये जो होती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की गलती होती है, एक गलती पंक्चुएशन की भी दे देते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम ये चीजें कल कल से हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो वोकेबलरी मैंने आपको कही है, तो आप आपको कल इंशाल्लाह हम प्रेसी पे आ जाएंगे। आज से ट्यूसडे है, मंडे वाले दिन जो आएगा आपकी लेवल वन वोकेबलरी की टेस्ट है, जो एसए में थे उनकी लेवल टू एंड थ्री की है, ठीक, और जो लेवल टू एंड थ्री, ठीक है, आपकी इस वीक लेवल वन की, अगले वीक लेवल टू लेवल थ्री की, और इंशाल्लाह लेवल फोर लेवल फाइव की मैं बना लेता हूँ, जब आप जाएंगे तो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब कल आप क्या करेंगे, सबसे पहले काम ये करेंगे, इसकी जो प्री टेस्ट है अब होमवर्क नोट कर लें, ठीक है। प्री टेस्ट ये कल आप इस बुक को कोई भी शेयर कर लें, इसमें जो प्री टेस्ट है, ठीक, वो आपने करके इसमें कितनी बार आपकी फिर चेक करके कितने आपके वर्ड्स सही हुए कितने गलत हैं वो मुझे भेज देनी है, व्हाट्सअप करनी है मेरे नंबर पे मैसेज एक, ठीक है। जो पुरानी हुई तो वो अपनी लेवल फोर स्टार्ट कर दें, इंशाल्लाह मंडे वाले दिन आपकी लेवल टू थ्री की है तो नेक्स्ट वीक आपकी लेवल फोर की होगी, ठीक है। तो उनके लिए लेवल फोर स्टार्ट है, क्योंकि 3 वीक्स में तो आपकी हो गई लेवल थ्री, तो अब लेवल थ्री की, टू एंड थ्री की आपकी टेस्ट होगी जो इससे वाले थे, अब लेवल फोर की आपकी मंडे से, अब आज से स्टार्ट है, मंडे वाले दिन आपकी लेवल फोर की टेस्ट होगी, ठीक है। लेवल टू एंड थ्री की आपकी इंशाल्लाह कल टेस्ट या परसों ले लूंगा, ठीक है, परसों ले लेता हूँ, मतलब थर्सडे वाले दिन। बाकी जो नए हैं प्रेस में उनकी कल के लिए प्री टेस्ट है, और उसके बाद वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 5 दिन में आपने ये लेवल वन करनी है डेली वर्ड्स, तो मंडे वाले दिन आपकी टेस्ट हो लेवल वन की। अब सबको याद हो गया तो ये बात चलें। और ये जो है नाम क्या है इनका, जो एसए में थे आपकी परसों में थर्सडे वाले दिन लेवल टू एंड लेवल थ्री की टेस्ट है, इनकी मंडे वाले दिन लेवल वन की, और जो एसए वाले थे मंडे वाले दिन आपकी लेवल फोर की। ये मैं पूरा शेड्यूल ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, ठीक, एक बात। दूसरी बात ये कि अब आपने इस बुक को डाउनलोड कर दें, उसके बाद आपने इंशाल्लाह ये आपको मैं पूरी याद भी करवाऊंगा इनके, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इवन बियॉन्ड द सेशन आपकी टेस्ट लें। 6 वीक का है तो मैं आपकी 6 लेवल्स तो करवाऊँ, बाकी 4 लेवल आप बाद में खुद भी हो जाएगी जब इतना बंदा कर लेता है, ठीक है। तो अगर अब कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें इंशाल्लाह, बाकी हम इंशाल्लाह कल प्रेसी पे आ जाएंगे डायरेक्ट, और कोई टॉपिक डिस्कशन में नहीं होगा। आज हमने पूरे सब्जेक्ट की फाउंडेशन इसमें कर ली, ठीक है। साकिब साकी साहब, आप अगर कॉपी पे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। बासिर साहब, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू फॉर योर वर्ड्स, ठीक है। तो राज साहब, आप मेरे शॉर्ट वीडियोस का काइंडली ग्रुप में भी शेयर कर लें ताकि सबको बेनिफिट भी हो, और बाकी सब्सक्राइब भी कर लें चैनल, मेहरबानी होगी, नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं। जी, इंशाल्लाह ये प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस वाली आपके मसले हल करेंगे, डोंट वरी। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश सही है, पर हम नए बुक्स पे आ जाए ना। अरे उषा, अच्छे अच्छे बुक्स आ गई, प्लीज शेयर एनी बुक ऑन सेंटेंस स्ट्रक्चर, मैंने आपको ब्रोशर के लिए कहा, और सेंटेंस स्ट्रक्चर, अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर माइकल स्वान का जो बुक है, अब मैंने आपको ग्रामर के लिए जो इंग्लिश ग्रामर इन इसको करें, इसमें कंस्ट्रक्शंस काफी दी हुई है, ठीक है। कल मैं माइकल स्वान का भी शेयर कर दूंगा स्ट्रक्चर पे, ठीक है। इसके मुझे पैसेज में मतलब ऊपर ऊपर से देखना, ऐसे जिस तरीके से पैसेज को देखते हैं अंदर ही अंदर वो नजर गुजारते जाते हैं, रीड नहीं करते। जी, दोनों एडिशन है ना, पहले फोर्थ फिर फिफ्थ, अगर आप एक ही करना चाह रही हैं तो फिर डायरेक्ट फिफ्थ पे आ जाएं।
हाँ बिल्कुल, इंटरमीडिएट वाला भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल एग्जाम करें तो कोई ट्रिक नहीं है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते जाएं, हुक्स के चक्कर में ना जाएं, अच्छी प्रिपरेशन डायरेक्शन बेस्ड करते जाएं। नवा जमील जमाल, वालेकुम सलाम जी। टोटल 500 वर्ड्स, बट ये अगर आप देखें तो 3500 वोकेबलरी के वर्ड्स एंटोनिम्स सिनोनिम्स करके कर लेते हैं। तो जी जी मैं आपको अपने चैनल की उस दी ओहो अब इस ये बात है कि अगर जब आप रीड करते हैं ना, पहले आप उन्हें वर्ड काउंट कर लिए, थोड़े थोड़े मैकेनिकल कंपोनेंट्स आपने एक्सेप्ट कर लिए, उसके बाद आपने पैसेज को थोड़ा स्किम करते हैं तो उसमें आपके पैसेज की थीम का पता लग जाता है कि फॉर एग्जांपल ये पैसेज जो है मेल न्यूट्रिशन पे है मिसाल के तौर पे। उसके बाद आप उसको एक बार रीड किया, आपने रीड किया इन डिटेल 3 स्टेप्स, चौथी बार फिर आप इनको इन डिटेल रीड करें, जो जो आपको कीवर्ड लगे काम की बात है उसको अंडरलाइन करते जाएं, ठीक है, और उसके साथ साथ जहां पे आपके एग्जाम्पल लगे, जहां पे लिस्ट हो, जहां पे डिटेल हो, उसको काट दे जाए, काटते जाए, ताकि कुछ आप आगे भी बढ़े और जो फजूल इंफॉर्मेशन है वो कटती भी जाए। पांचवे बार फिर आप एग्जैक्ट इसी तरीके से रिपीट करें, जो आपने आइडिया अंडरलाइन करना भूल गए वो आप फिर अंडरलाइन करें, फिर आप पैसेज को 2-3 बार और रीड करें, जो आपने अंडरलाइन किए आइडियाज उनको बाहर रफ पे लिखें, ठीक है। अब फिर पैसेज को रीड कर लें, कोई आइडिया मिस तो नहीं हो गया, फिर आपने ये आइडियाज लिखे, उसके बाद अब इनको आप सेंटेंस फॉर्म में कन्वर्ट करते जाए। मैं आपको ये अश्योरेंस देता हूँ कि 6 से 7 आइडियाज से बात बाहर नहीं होगी। मैं प्रेस राइटिंग डिलन से भी थोड़ी करवाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि इनमें जब पैसेज करते हैं ना 6 से 7 आइडियाज होते हैं, आइडिया जब 1 से 2 पे जाता है ना जंप देता है। अब अगर वो जंप आपने आइडेंटिफाई किया ना तो फिर तो प्रेस से कभी मुश्किल ही नहीं लगेगी, ठीक है। तो वही इंशाल्लाह मैंने आपको कहा ना कि कॉम्प्रिहेंशन में भी सिंपल भी पैसेजेस आते हैं, कॉम्प्लेक्स भी आते हैं, कॉम्प्लेक्स में कभी कभी फिलोसॉफिकल भी होते हैं, दो होते हैं, एक तो फिलोसॉफिकल भी हो सकते हैं, दो कंडीशन होती हैं। अब सिंपल कौन से होते हैं, सोशो पोलिटिकल इकोनॉमिक इशूज होते हैं, उनमें नंबर 1 क्वेश्चन पहले होता है, नंबर 2 दूसरे पे आंसर मिल जाता है, तीसरा तीसरे पे, चौथा चौथे। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि दो किस्म के होते हैं, एक तो फिलोसॉफिकल होते हैं तो उनमें आपको क्या होता है कि आंसर नंबर 1 का पहले मिल गया, दूसरे का दूसरे पे मिल गया, तीसरे का तीसरे। यहाँ कॉम्प्लेक्स में ये होता है कि सोशो पोलिटिकल इकोनॉमिक इश्यू, चौथे का आंसर पहले मिल जाएगा, तीसरे का आंसर दूसरे पे, तीसरे का फिफ्थ पे, चौथे का चौथे पे, पांचवे का पहले पे, इस तरीके से होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स पैसेजेस बन जाते हैं, तो हमने इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, इनको अंडरस्टैंड भी करना है, ठीक है, कि हमने टॉपिक्स को कॉम्प्लेक्स पैसेजेस को किस तरीके से 2010 की तरह से कॉम्प्रिहेंशन एंड इट मूव्स, ये तो फिलोसॉफिकल है, बट क्वेश्चन आंसर इनके अगर देखें तो वो नंबर 1 पहले है, नंबर 2 दूसरे पे, नंबर 3। कुछ पैसेजेस ऐसे हैं सोशो पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक है पर उनके क्वेश्चन आंसर आगे पीछे हैं, तो हमने इन दोनों टफनेस लेवल को अंडरस्टैंड करना है जी। तो तभी मैंने आपको ये वर्बल एडवांटेज बुक बताया, वहां से हमें करेंगे तो फिर आसानी होगी। और वोकेबलरी वाकई याद करना, आप देखें ना एक मुश्किल है, अगर वोकेबलरी नहीं करेंगे तो 30 पे जो फेल करेंगे वो आप अभी वोकेबलरी करने से 15 मार्क्स 16 मार्क्स मिलेंगे, 46 पे पास करेंगे। वोकेबलरी नहीं करेंगे, प्रेसे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, प्रेसे का थीम जो अक्सा बात कर रही थी वो नहीं समझ पाती तो वो भी इशू आएगा। प्रेसे नहीं वोकेबलरी नहीं करेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन आप किस तरीके से समझेंगे और उसके आंसर आप सही जवाब नहीं दे पाएंगे क्वेश्चन के आंसर। अगर वो नहीं करेंगे तो आप पैरा वर्ड 10 मार्क्स कैसे करेंगे, 10 मार्क्स की ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो 80 मार्क्स का तो ये हो गया, 20 मार्क्स की वोकेबलरी, 60 मार्क्स के इनडायरेक्ट इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, तो आप बताएं। अब मुझे एनालॉजी भी अगर आ गई तो 10 मार्क्स की 90 पूरा वोकेबलरी पे ही तो है ये। वोकेबलरी को आप ग्रिप कर लें, प्रेसे को ग्रिप करने कॉम्प्रिहेंशन को सो जाए, ये पेपर खुद ब खुद हो जाएगा, आप पढ़ाने लग जाएंगे अपने दोस्तों को जी। और कोई क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पूछे, मैं आई एम हेयर फॉर यू, ठीक है, यू आर माय यंग।
यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एम योर बिग बिग ब्रदर, मैं मेंटोर की तरह हूँ आपके, ठीक है? आपको कोई भी मसला हो, आप रजिस्टर हैं रजिस्टर नहीं है, इट डज नॉट बोदर मी, ठीक है? आप किसी भी टाइम मेरे साथ रब्ता भी करें, कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो मैं आपके साथ अपनी यूट्यूब की लिंक भी शेयर कर लेता हूँ, ठीक है? ताकि आपको कोई भी गाइडेंस हो, मैं एक्सेसिबल नहीं हूँ, तो वहाँ पे भी आप इंशाल्लाह मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कोई कमेंट देगी कि सर ये बनाना चाहिए। जी मैं आपके साथ अभी यूट्यूब की अपनी लिंक शेयर कर लेता हूँ, ठीक है? अभी मैंने अपनी यूट्यूब की लिंक एक सेकंड शेयर भी कर ली, ठीक। और उसके अलावा अभी मैंने यूट्यूब की लिंक एक सेकंड शेयर भी कर ली, व्हाट्सएप ग्रुप की भी मैंने आपके साथ शेयर है जी। ये यूट्यूब की होगी। सना आप लॉन्ग नोट्स बनाएं, ये शॉर्ट नोट्स के इस चक्कर में बिल्कुल ना जाएं, ठीक है? और लॉन्ग नोट्स भी उतने ही बनाएं कि जितने 6-7 पेजेस के जितना आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि लॉन्ग सेंटेंस 20-20 वो जो है पेजेस के और क्वेश्चन उसके 5-6 पेजेस का ही बनता हो, ठीक है? हम बड़ा एरिया बना रही हैं तो वो एक अलग बात है, छोटी एरिया बना रही हैं, छोटा सा टॉपिक बना रही हैं, तो फिर आप इतने लेंदी नोट्स बनाने की फिर दिक्कत नहीं। बाकी बुलेट पॉइंट्स को अवॉइड करें, आपको जो कॉन्टेक्स्ट आज याद है ना, कल वो याद नहीं होगा जब आप उसकी रिवीजन करेंगे, ठीक है? तो इंशाल्लाह अजीज हम सीखेंगे शॉर्ट सेंटेंसेस ही, वो आपको समझ सिंपल सेंटेंस है। मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करें ना रेनन मार्टिन से जी या किसी और बुक से। कैन यू शेयर यूर एवेल्यूएटेड एसे? जी साकी, आर यू इन ग्रुप? मैंने ग्रुप की लिंक शेयर कर रहा हूँ, अगर नहीं हुए तो मैं अपना व्हाट्सएप भी शेयर कर लेता हूँ, तो मेरे से भी अगर रब्ता रखना चाहें कोई मसला नहीं, मोस्ट वेलकम। तो आपको ये मेरा नंबर भी है रिजवान कादर, तो मैं आपके अपने मेरे एसेज जो है एवेल्यूएटेड, मैंने आपको कहा कि www.csvn.com वहाँ पे मेरे सारे नोट्स हैं, तो आप इंग्लिश एसे में जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको मेरे एवेल्यूएटेड एसेज भी मिल जाएंगे, ठीक है? तो आप वहां पे जाएं वेबसाइट पे जी। और दूसरी मैंने आपको www.csvision.com.pk इस पे मेरे पूरे नोट्स वगैरह ये सारी चीजें पड़ी हुई। बाकी और कोई क्वेश्चन मेरे लायक हो तो आई एम अवेलेबल। बाकी मैं आपके साथ अभी ग्रुप की भी लिंक शेयर कर लेता हूँ, ये मैंने ग्रुप की भी लिंक शेयर कर ली और अपना नंबर भी शेयर कर लिया और यूट्यूब के चैनल भी शेयर कर लिया। और मैंने आपके साथ वेबसाइट भी शेयर कर ली थी, ठीक है? ठीक है। ऐसे में हम साकी साहब पैराग्राफ पे हमारा पूरा तो हफ्ता उस पर ही होता है, पैराग्राफ का तो हमारा सेशन चलता है, तो बाकी इंशाल्लाह एवेल्यूशन वाला हमारा सेशन चल भी रहा है और उसको इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस भी कराएंगे, तो हम उमर इंशाल्लाह ये कॉम्प्रिहेंशन वाला मामला तो ये तो पूरा लेक्चर लेगा हार्ड कॉम्प्रिहेंशन, तो किस तरीके से ऊपर ऊपर से मैंने थोड़ा बताया कि सिंपल पैसेजेस होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स पैसेजेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स में फिलोसॉफिकल होते हैं और सिंपल में सोशो पोलिटिकल इकोनॉमिक इशूज होते हैं, जो उनके क्वेश्चन नंबर वन का पहले, नंबर टू का दूसरे, नंबर थ्री का तीसरे, नंबर जो कॉम्प्लेक्स में फिलोसॉफिकल होते हैं और दूसरे सोशो पोलिटिकल इकोनॉमिक इशूज होते हैं जिनके क्वेश्चन के आंसर आगे पीछे होते हैं। तो अब उनके आपने तकरीबन 34 या 1990 से पास पेपर भी करना चाहें तो आपको पूरी रोलर कोस्टर ड्राइव वहां से मिल जाती है और आप अच्छे तरीके से ग्रिप आ जाएगी। बाकी बात है इसमें इवेल्युएशन कराने की।